वेलकम टू मैथिक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग करने वाले हैं आप सभी की क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1-6 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि इवेलुएट द लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1-22। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो पहले क्वेश्चन हमें दिया गया कि लिमिट एक्स टेल्स टू 3x+3। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप 3 पुट करते हो तो कोई समस्या नहीं है, ये 0/0 फॉर्म आपका अटेंड नहीं कर रहा है, यानी इसमें इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेल्स टू 3x+3 आपका किसके इक्वल होगा, तो एक्स के प्लेस पर आप डायरेक्ट 3 पुट कर दो तो 3+3 हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि लिमिट एक्स टेल्स टू पाई x-22/7। तो इसको इसमें भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आप x के प्लेस पे क्या पुट कर दो पाई, तो आपका आंसर क्या होगा π-22। अब देखो आप यहाँ काट के जीरो मत कर देना क्योंकि आपको x के प्लेस पे क्या बोला गया है पुट करने के लिए, पाई पुट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ठीक है, तो पाई आपने पुट किया, आपका आंसर इस फॉर्म में आ गया। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लिमिट r टेल्स टू l π r². तो देखो यहाँ भी क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, आप डायरेक्ट r के प्लेस पे क्या, अच्छा r टेल्स टू 1 है आपका, ये क्वेश्चन सही कर लेना, r टेल्स टू 1 है, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा, r के प्लेस पे आप 1 पुट कर दो, π (1)² यानी π(1) आपका आंसर आ गया पाई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है कि लिमिट लिमिट एक्स टेल्स टू 4x+3/x-2। तो देखो आप जब यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, ये भी आपका 0/0 फॉर्म नहीं ले रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे x के प्लेस पे डायरेक्ट क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, तो 4×4+3/4-2 यानी 16+3/2 आपका आंसर क्या आएगा, तो 19/2। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर ही देता हूँ ना। देखो अभी तक के जो भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन हैं, आपको इनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप खुद से भी इनको कर सकते हो, बट मैंने बता दिया दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि लिमिट एक्स टेल्स टू -1x^10+x^5+1/(x-1)। देखो यहाँ भी आप जब x के प्लेस पे -1 पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम डायरेक्ट इसको भी सॉल्व करेंगे बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो -1/10+-1/5+1/(-1)-1, तो हमें क्या मिलेगा, -1/10 यानी आपका ये 1 हो जाएगा, -1/5 यानी -1 होगा, +1 होगा (-2), तो ये आपका आंसर आएगा (1)-2 यानी कि -1/2 इज द आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन अच्छा आया है लिमिट का, जिसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा सोच करके। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको क्वेश्चन 6 दे रखा है कि x+1/5-1 दे रखा है x और लिमिट x टेल्स टू 0 बोला गया है। अब अगर आप 0 पुट करते हैं, अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0+1/5-1/0 यानी ये तो नीचे 0 आ गया, नॉट डिफाइंड है, वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हो, तो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पाएंगे, तब इसमें थोड़ा सा हमें ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आपको कैसे बताया जाता है कि आप इसको थोड़ा ऐसे देखो कि वेन आप लेट कर लो लेट x+1=y, तो एक ट्रेडिशनल तरीका है, बट आपको जैसे मैं बताऊंगा आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप आगे क्वेश्चन अपना करेंगे। तो मान लो कि हमने x+1 को क्या मान लिया, y मान लिया,
ठीक है, तो व्हेन व्हेन एक्स टिल्स टू जीरो, देन जब आपका एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो वाई क्या होगा, देन वाई टिल्स टू वन। जैसे हम एक्स यहाँ जीरो पुट करेंगे, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि लिमिट एक्स टिल्स वाई टिल्स टू जीरो, वाई टिल्स टू वन, ठीक है। इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर लेंगे, तो y का पावर 5 माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, तो x के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ से हम लोग x को लिख सकते हैं ना, y माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस वन। तो अब अगर आप इसको अपने फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि लिमिट x टिल्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, तो क्या होता है कि n इंटू में a का पावर n माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो a के प्लेस पे आपका वन लिखा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं ना, लिमिट y टेल्स टू वन, y का पावर 5 माइनस वन का पावर 5 अपॉन वन माइनस वाई माइनस वन। तो जब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू में 1 का पावर 5 माइनस वन, यानी कि आपको मिल जाएगा 5 इंटू में 1 का पावर 4, जो कि आपका 5 ही होगा, क्या होगा, 5 के इक्वल होगा, ठीक है। 5 इंटू में 1 का पावर 4 आपका 5 ही, 5 इंटू में 1 का पावर 4 ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, पॉइंट नहीं है, आपको कन्फ्यूज ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर 5 आ गया। अब तो एक तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, आप इसको नोट डाउन कर लें, देन मैं आपको सेकेंड रूल बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमें दे रखा है लिमिट x टेल्स टू जीरो, x प्लस वन माइनस वन अपॉन x दे रखा है, अपॉन क्या दे रखा है, x। तो आप यहाँ क्या करें, यहाँ पावर 5 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कि आप इसमें आप ऐसा करो कि x प्लस वन कर दो, माइनस वन कर दो, ठीक है। देखो बात वही है, बाकी लास्ट में करना आपको वही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि लिमिट x टेल्स टू जीरो, अब अगेन आप x प्लस वन को क्या मान लो, मान लो a है। दोनों रूल देखो कुछ एक जैसे एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आप इसको अगर a मान लोगे तो आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा a का पावर 5 माइनस वन अपॉन a माइनस वन आ जाएगा। जब आपका इसको मैंने लेट किया ना कि लेट x प्लस वन इक्वल टू a, तो व्हेन 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 x टेल्स टू जीरो देन a टेल्स टू वन, तो यहाँ का हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट a टेल्स टू वन। अब आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू में 1 का पावर 5 माइनस वन, तो 5 इंटू में 1 आपका आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। तो दो तरीका है सॉल्व करने का, बाकी अब जिससे जैसे आपको अच्छा लगे, या तो आप ऐसे करके लेट करो, या फिर जैसे आप पहले ही वाई मान के कर लो, पहले ही उसको ए मान लो, आपकी मर्जी है। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।